जी हाँ नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 2024 से होने वाले 8 बड़े बदलावों के बारे में। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो ज़बरदस्त फायदे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से 1 अक्टूबर 2024 से कौन से 8 बड़े फायदे होने वाले हैं। साथ ही में 18वीं किस्त यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त और किसानों का 2-2 लाख रुपये तक की कर्ज माफ़ी तक शामिल है। साथ ही में किस तरीके से आपको फ्री राशन का लाभ मिलेगा, किस तरीके से आप लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर पाएंगे, A to Z जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं 1 अक्टूबर से APL BPL और AAY राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो फ्री राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं सितंबर 2024 के अंतर्गत। बात करेंगे, आप यहां पे देख सकते हैं जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, गरीब है, ज़रूरतमंद परिवार है, उन किसानों के लिए राशन कार्ड के तहत खाद्य सामग्री जो है सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। राशन कार्ड को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। सबसे पहले हम बात करें जितने भी गरीब परिवारें हैं, उन गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर अनाज, चीनी और अन्य ज़रूरतमंद की सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। देश के नागरिकों को भोजन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उनको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। गरीबी और कुपोषण से लड़ने के लिए उनको शुद्ध और शाकाहारी पोषण जो है वो दिया जाएगा। राशन कार्ड के कुछ नए नियम हैं। फर्जी राशन कार्ड धारकों पर रोक लगेगी, सुनिश्चित करने के लिए राशन कार्ड केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुँचाए जाएंगे। सरकारी संसाधनों का बेहतर सुनिश्चित उपयोग हो सके। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए राशन कार्ड के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को आवास का आकार जो है 10 वर्ग फीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वाहन स्वामित्व की बात करें, ट्रैक्टर, कार, चारपहिया वाहन रखने वाले व्यक्तियों को राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा। आय व गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले किसान ही जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। टैक्स भुगतान करने वालों को भी राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा, यानी राशन कार्ड से जो जो चीज़ें मिलती हैं वो उनको नहीं मिलेंगी। हथियार लाइसेंस रखने वाले लोगों को भी राशन कार्ड नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करें EKYC को लेकर, तो 18वीं किस्त से पहले EKYC अनिवार्य है। बिना EKYC के 18वीं किस्त नहीं मिलेगी। 18वीं किस्त जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। 2-2 लाख रुपए तक की बात करें, 2-2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में शुरू हो चुकी है। राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार जैसे राज्यों में भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में किसान कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और किस राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलेंगे जल्दी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।